विषय है कि केंद्र से रिटर्निंग ऑफिसर के नाते ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की हर राज्य में प्रदेश अध्यक्ष चुनने की हो रही है, उसके नाते मैं दादर नगर हवेली दमन दीव जो अभी नया राज्य बना है, दोनों जुड़ के यूनियन टेरिटरी नया यूनियन टेरिटरी बना है, मैं उसमें आने का मौका मिला। बंधुगण, सर्वसहमति से दीपेश टी टंडेल जी को इस प्रदेश का अध्यक्ष घोषित किया गया है भारतीय जनता पार्टी। एक बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये पूरा विषय पूरा हुआ है। इससे पहले पर्यवेक्षक के नाते भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा की सदस्य सरोज पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक के नाते यहाँ आई थी। सभी के साथ समन्वय करने के बाद, सभी के साथ बातचीत करने के बाद एक रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत किया था। सबके सहमति से यह प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक तरीके से पूरा हुआ और जो नॉमिनेशन में जिन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना हस्ताक्षर दिया, उनका नाम नटू भाई पटेल जी है जो पूर्व सांसद हैं, दिग्विजय भाई परमार जी हैं, हसमुख भाई भंडारी जी जो पूर्व हमारे अध्यक्ष थे, राकेश चौहान जी हैं, फतेह सिंह चौहान जी, विनीत मुंद्रा जी, वासु भाई पटेल, लालू भाई पटेल जो हमारे वर्तमान के सांसद हैं, चूँकि उनके घर में उनकी बिटिया की शादी है और आज एक हल्दी का रसम भी है तो वो अपने घर में है, किंतु उनसे पूरे प्रक्रिया में कल गहन चिंतन और उसके बाद उनकी सहमति के बाद ये पूरा विषय हुआ है। सब सहमत हैं इसमें। बंधुगण, हमारे और कांग्रेस पार्टी में एक फर्क है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी में पार्टी इज फैमिली, हमारी पार्टी एक फैमिली है, वहीं कांग्रेस पार्टी में फैमिली इज पार्टी, उनकी जो फैमिली है वो पार्टी होती है। आप देखिए किस प्रकार से एक परिवार के नाते हम सब, अगर बायोलॉजिकल परिवार देखा जाए तो हम सब अलग अलग परिवार से हैं, खून का रिश्ता नहीं है, मगर खून से भी अधिक का रिश्ता हम दोनों के बीच, हम सब के बीच आपस में भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि हम एक परिवार के नाते काम करते हैं और सर्वसहमति से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में देखिए केवल कुछ लोग जो 10 जनपद में रहते हैं, जो एक फैमिली है, वो फैमिली ही उनकी पार्टी है, जो वो फैमिली कहती है वही होता है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। यहाँ के जो वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता उनकी कहीं ना कहीं उपेक्षा मानी जाएगी, कहा ना सर्वसम्मति के साथ, और जब ये प्रोसेस पूरा होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ लिए जाते हैं और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, किस प्रकार से सबको साथ में लेके सबके विश्वास में लेकर, और अध्यक्ष तो एक होता है किंतु सबके सहमति से बनना और सबको साथ लेकर चलना, सभी कार्यकर्ताओं को जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेकर चलना। आज हमारे लिए हर्ष का विषय है कि वी सतीश जी भी हमारे साथ यहाँ आए हैं। वी सतीश जी ने संबोधित भी किया सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को और उसके पश्चात हमने देखा है किस प्रकार से एक अच्छा माहौल, सब लोग साथ मिलकर चल रहे हैं।